इनके शरीर में जो बीमारियां है उनको हम चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। इसी क्षण इसी आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य प्रभु जी उनके हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए। खुदावन जो भी समस्याएं इनके जीवन में कार्य कर रही है पिता, हाँ प्रभु जी तू जानता है पिता, वो हर एक समस्याओं का तू समाधान देने में सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया 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 बारी बावला रा बारी करा बारक तम जायम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, त्रिनाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, त्रिनाम की महिमा हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, रक्तम जयम, ग्लोरी 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 रिसिकराबा उलराबा रिकराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, तेनाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु प्रभु जी, हम धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, पवित्र छुपाए रखा, हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से हम सबको बचाए रखा पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आज ये नया दिन दिया पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। रात सुनाई दी एक नया दिन दिखाया और जीवित को पिता जीवित रखा, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारी आशीषों के लिए, सारी चंगाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो आपका जीवन चाहे दुखों से क्यों ना भरा हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, हर एक बातों में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि धन्यवाद का योग है। बाइबल कहती है धन्यवाद का बलिदान चढ़ा और अपनी मन्नतें पूरी कर। मेरे प्रियो हमारी परिस्थितियां चाहे बस से बदतर क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां चाहे चारों तरफ से अंधकारी क्यों ना घिरी हो, हमें रास्ता दिख नहीं रहा है, हमारे रास्ते बंद चुके हैं, समस्याएं चारों तरफ घेर के बैठी है, उस बातों में भी प्रभु को धन्यवाद दीजिए, वो हानि आपके लाभ में बदल जाएगी। ओ धन्यवाद यीशु, जब समस्याएं आए, जब मुसीबत आए, जब बीमारी आए आपके ऊपर, तो उस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उस बीमारी के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए मेरे पियो, क्योंकि वो बीमारी आपकी हानि के नहीं बल्कि आपके लाभ के लिए आई है। उसमें भी प्रभु की महिमा आपके जीवन से प्रकट हो जाएगी। ओ धन्यवाद यीशु, ऋषि खराबा फूल राबा रिख खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजा। जितने भाई बहन पिता इस प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, उनके जीवन में आशीष उतरने पाए पिता, ये प्रार्थना जिस घर में जिस जगह में चेहरे पिता, वहां तेरी सामर्थ्य प्रकट हो जाए पिता, वहां बीमार चंगे होने पाए, बंधन तेरे नाम से टूटने पाए, चिंताएं वहां से दूर होने पाए। धन्यवाद यीशु, ऋषि खराबा हूल राबा रिख खराबा। हाँ प्रभु जी, जो बीमार पड़े हैं सालों महीनों दिनों से, वो दवाई खा के थक चुके हैं, वो थके माए तेरे पास आए हैं पिता, डॉक्टरों को दिखा के थक चुके हैं, वो थके माए तेरे पास आए हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं, ये निराशा के साथ आए हैं लेकिन इनके अंदर विश्वास भरा हुआ है प्रभु जी, इनका जैसा विश्वास है वैसा इनके लिए हो जा तेरे नाम से पिता परमेश्वर। बाइबल कहती है जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो गया है। हाँ प्रभु, इनका जितना बड़ा विश्वास तेरे ऊपर है वो इतनी बड़ी आशीष को प्राप्त करने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु, ये हर जगह थके मांदे आए हैं, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए, दुनिया भर में जहाँ भी रहकर, जिस देश में, जिस कोने में, जिस देश, जिस जिले, जिस गांव, जिस शहर में रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, चाहे भारत में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे कहीं भी रहकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं, उस जगह में तो इनके साथ उपस्थित है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो, जिस परमेश्वर ने को आँख दिया, लंगड़ों चलाया, मुर्दों को जिलाया, वही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए तैयार है, केवल हम उस पर विश्वास करने वाले हो जाएं। जीवितों का परमेश्वर है, वो आपके बीच में है, अपनी चंगाई को, अपनी छुटकारे को, अपनी आशीष को उससे प्राप्त कर लीजिए। ओ धन्यवाद यीशु, और इससे खराबा हूलराबा रिख खराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीजस, ग्लोरी टू गॉड, रक्तम जयम, आमीन। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमार से पड़े हुए हैं पिता, बीमारियां इनके चारों तरफ घेर के बैठी हुई है, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये जहाँ भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं उस जगह में अद्भुत कार्य चमत्कार होने पाए। मेरे पियो आइए, घुटनों पर आकर, बीमार पड़े हैं, घुटनों पर नहीं आ सकते हैं, आप जिस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं उस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना कीजिए, लेकिन आपके प्रार्थना करने से पहले आपका मन शुद्धता से भरना चाहिए, सच्चे मन, सच्चे दिल, सच्चे लालसा से उसके पास आइए। ओ
परमेश्वर है, वो मन की बातों को जानता है। मनुष्यों से हम बातें छिपा सकते हैं, लेकिन वो जूतों का परमेश्वर है, हम उससे एक भी बातें छिपा नहीं सकते हैं। हम उससे प्रार्थना करें, सच्चाई ईमानदारी के साथ करें, अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में आपने किए हैं उसके सामने मानिए, उसके सामने अंगीकार कीजिए। हाँ प्रभु, मैं जाने अनजाने में जैसे भी हो ये पाप को मैंने अपने से किया है। हाँ प्रभु, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर अपने राज का वारिस बना मेरे पियो। हमारे खातिर हम जब पाप ही थे तो सही समय पर मारा गया ताकि हम उसके मार खाने से हम चंगे हो जाए, उसके कुड़े खाने से हम चंगे हो जाए, उसके सूली पर चढ़ाने से हम पापों से मुक्त हो जाए। पृथ्वी के सारे पापियों के खातिर वो अपना अंतिम रक्त बहा दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वह अंत जीवन का सहभागी पंचाय। मेरे पियो, हम विश्वास करें वो जो लहू बहाया गया हमारे पापों के खातिर बहाया गया, वो लहू में उस सामर्थ्य है जो हमारे पापों को धोकर शुद्ध और पवित्र कर सकता है। हम विश्वास करें उस पे, वो दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। मेरे पियो, पापों की क्षमा उससे मांगिए। यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता से स्वीकार कीजिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे में जिलाया है तो आप निश्चित ही आशीष, चंगाई, छुटकारा, उद्धार को प्राप्त करेंगे। हाँ प्रभु, इन सारे भाई को हम तेरे नाम से हम चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके हाथों इनके पैरों में एक नया बल, एक नया शक्ति, एक नया सामर्थ्य आ जाए, हर एक कमजोरी दुर्बलताएं तेरे नाम से दूर होने पाए। इन सारे भाई बहनों को चंगाई प्रदान किया हम धन्यवाद देते हैं। जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, बोझ से दबे कहरा रहे हैं, उनके जीवन के रास्ते बंद जरा रहे हैं, हम प्रार्थना करते पिता, हाँ प्रभु जी, और चिंता के लिए बातें इनके जीवन से इसी घड़ी निकलने पाए। जो भी इनके रास्ते बंद जरा रहे हैं वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा सामर्थ्य नाम में इसी समय खुलने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान तेरे नाम से मिलने पाए। समस्याएं चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हर एक समस्याओं का समाधान देने जा रहा है, समस्याओं के रास्ता खोलने जा रहा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इन सब चिंताओं को दूर किया, समस्याओं का समाधान दिया, बंद रास्ते को खुला, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माओं में, बुरी आत्माओं में, अंधकार की आत्माओं में फंसे हुए हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हाँ प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर घर अशांति से डूबा हुआ है पिता, उस घर से सुख शांति छीन चुका है पिता, हम प्रार्थना करते हैं ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चल रही है वहां तेरी शांति प्रकट होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए, प्रार्थना को सुनते हैं वहां चलते हैं, वहां से हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक नशे की आत्मा, दारू की आत्मा, तो टूटने की आत्मा, बुरी आत्मा, अंधकार की आत्माएं वहां से निकल के चली जाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, उस घर में सुख शांति आने पाए, वचन की शांति, वचन का प्रकाश, उजाला, वचन का सामर्थ्य नाम से आज पिता घर के हर एक व्यक्ति तुझको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करने वाले हो जाए और कहने पाए कि यीशु ही प्रभु है, तो ऐसा करने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद दे मेरे पियो, आप विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। जो व्यक्ति बुराई में फंसा हुआ है, नशे में पड़ा हुआ है, आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाइए। परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा उस व्यक्ति के हृदय बदलेगा, उस व्यक्ति के मन को बदलेगा और उसको भी राज के चुनेगा। ओ धन्यवाद यीशु, प्रार्थना कीजिए प्रभु, जिस तरह से मैं तेरे वचन को जानी उसी तरह से मेरा घराना, मेरा कुटुंब भी, मेरा परिवार भी तुझको जान नहीं पाए, वो भी अपने जीवन को उद्धारकर्ता से उकार करने वाले हो जाए। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, आपको प्रार्थना करना है, प्रभु सही समय आने पर उसको भी चुन लेगा। बाइबल कहती है तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। उद्धार पाने का मतलब ये नहीं कि उस राज के सहभागी हो जाएगा, नहीं, वो भी विश्वास करेगा एक दिन आने वाले में, जब तक दूसरे व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार ना करे, पापों की क्षमा उससे ना मांगे, वह उद्धार को नहीं पा सकता। लेकिन आपके द्वारा आपका कुटुंब, आपका परिवार बचाया जाएगा। इस बात पे प्रभु को धन्यवाद दीजिए। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ ऋषि खराबा फूल रबा, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हाँ प्रभु जी, जो विदेश में रह कार्य करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और जहाँ भी रह कार्य करते हैं, तेरे नाम की महिमा उनके जन प्रकट होने पाए पिता। वो दुनिया भर में कहीं भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जो बीमार पड़े हैं वो तेरे नाम से चंगे होने पाए, उनके हर एक बंद रास्ते नाम से खुलने पाए। जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको तो जॉब से ब्लेसिंग कर खुदावन। हाँ प्रभु जी, जो भी जो समस्याएं आ रही है तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक समस्याओं का समाधान इनको देने जा रहा है, इनके लिए तो नया नया रास्ता खोल के देने जा रहा है। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, ओ ऋषि खराबा हूल रबा रिक खराबा रक्तम जयम, धन्यवाद यीशु। जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको तो जॉब से ब्लेसिंग किया। इनके परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जहाँ भी रहते हैं सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जो आज शांति में डूबे हुए हैं पिता, वो अपना सुख चैन को खो चुके हैं पिता, उनके जीवन पिता परमेश्वर वो शोक डूबे हुए हैं पिता। हम प्रार्थना करते पिता ऐसे व्यक्तियों के लिए, ऐसे घरों के लिए पिता परमेश्वर, तेरी शांति उनके जीवन में आ जाए पिता।
वचनों के द्वारा उनसे बातचीत कर। मेरे पियो, आपका जीवन सुख दुखों से भरा हुआ है, आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है, ये वचन को अध्ययन कीजिए, ये वचन आपको शांति देगा, ये वचन आपको शांति देगा, आपके घर में शांति लाएगा, आपके जीवन भी शांति लाएगा। हाँ प्रभु, इनके अंदर जो दुख थी उनको निकाला और इनके अंदर एकांत की भरपूरी को दिया, इनके दुख को तुमने बदल दिया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीजा, जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, हम प्रार्थना करते पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की घोषणा करते हैं। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दारा से और दसमान चर्च में सहयोग किए हैं, सब से भेजे हैं पिता, उन सबको तू आशीष प्रदान करे। हाँ प्रभु, जितना भेजते हैं पिता उसके 100 गुना इनको तू आशीष देने जा रहा है, इनके लिए आगे जो खोल कर अपरम आशीष की वर्षा इनके जीवन तू करने जा रहा है, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की चंगाई की छुटकारे की हम घोषणा करते हैं, इन सारे भाई बहनों के जीवन में आशीष उतरने पाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, इन घर में जो समस्याएं हैं वो तेरे नाम से दूर होने पाए, हर एक बंद रास्ते तेरे नाम से खुलने पाए, हर एक रुकी हुई काम दोबारा शुरू होने पाए पिता, इनके सैलरी के बिजनेस के शॉप में हम तेरे नाम से हम आशीष को भेजते हैं, ये जितना बीज बोते हैं पिता इसके 100 गुना कटने काटने जा रहे हैं, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जिस घर प्रार्थना चल रही पिता, जहाँ प्रार्थना चल रही है वहाँ पिता हर एक घरों को हर व्यक्तियों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, चाहे वो थोड़ा बाने बांधते हैं पिता, छोटे से लेकर बड़े तक हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन सारे भाई बहनों को पवित्र छुपाए रख, जब ये कार्य करने जाते हैं पिता यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी, कोई हमारे कोई मारे को छू भी ना पाए पिता, ये जहाँ भी कार्य करने जाते हैं पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रख, कोई हमारे कोई मारे इनको छू भी ना पिता, घर में कार्य करने में सहायता कर, ऑफिस में कार्य करने में सहायता कर, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कर प्रभु जी, यही हम प्रार्थना करते, प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन, हालेलुया। मैं पियो, हम प्रभु पर विश्वास करें, हमारा परमेश्वर ज्योतों का परमेश्वर है, प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हम जिसकी आराधना करते हैं वो हमारा परमेश्वर है, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए मेरे पियो, और जब भी हम प्रार्थना करें हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, और क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम आशीष चंगाई छुटकारा को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, और प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप भेजिए, हम हमारे मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन भेंट भेजते दारा से भेजते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए हम हमारे मिस्ट्री 24 घंटा प्रार्थना करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे, आपके घर घर परिवार को आशीष दे, आपके घराने को सुरक्षाओं से भरपूर रखे, प्रभु आपके जीवन में आशीष को भेजेगा, चंगाई को भेजेगा, छुटकारा को भेजेगा जब हम विश्वास करेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारे अंदर शक आती है मेरे पियो हम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, तो हम शक करने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य चमत्कार करने के लिए तैयार है, हालेलुया। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, और जितने भाई बहन शेयर करते हैं आज शाम को वीडियो पोस्ट होगा उनके लिए प्रार्थना का, तो सभाओं में शामिल होकर अपनी आशीष को प्राप्त कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।